थोड़ी सी बारिश करवा दो, गड्ढे भी हो जाएंगे पार। हेलो जी, रेडियो रान पे आप सुन रहे हैं मुझे यानी श्रेया को। मैं हूँ ट्रेन की दोब और आज है मंडे यानी 19 जुलाई। यार अब तो जुलाई जो है उसको मानसून पीरियड बोला जाता है, लेकिन बारिश बारिश तो हो ही नहीं रही है। पहले लोग बोलते थे खड्डे है या सड़क है, मतलब खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है। और अब भगवान ने ना बारिश देना भी बंद कर दिया। बार बार जो मानसून डिपार्टमेंट है, जो वेदर डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस जो है वो फेल हो रही है। क्या हो रहा है ये? मतलब यार कोई पूजा वूजा करवा दो, कोई ऊपर वाले से कुछ कह दो कि यार थोड़ी सी बारिश करवा दे, गर्मी बहुत बढ़ रही है। मैं हूँ श्रेया और भी बातें करेंगे। आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो रान पे। अरे हे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। रेडियो रान पे आप सुन रहे हैं मुझे यानी श्रेया को। वेल, आज मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करने आई हूँ। वैसे हर वक्त आती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा और दिल से डीपली कनेक्शंस व्हाट आई फील, एंड आई थिंक आप लोग भी ये फील करते होंगे। अभी परसों ही मैं अपने एक फ्रेंड से कुछ डिस्कस कर रही थी, और मैंने उसके बाद ही एक रील देखी इंस्टाग्राम पे। उसमें एक जो लड़की होती है वो पहले उसे नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं, फिर उसके बाद उसको 10 लाइक्स आते हैं, फिर वो मॉडर्न कपड़े पहनती है, फिर उसको 1000 लाइक्स आते हैं, फिर वो थोड़ा सा जो बटन है वो नीचे कर देती है, फिर उसको 10,000 लाइक्स आते हैं, और फिर वो क्या करती है, फिर वो सोचती है कि अगर यही प्रोसेस है तो थोड़ा सा बटन एक और खोल दिया जाए, और फिर उसको 1,00,000 लाइक्स आते हैं, एंड देन इन दी एंड शी शट्स दैट ऑल एंड जो वो नॉर्मल है वो पहन के आती है। वेल, ये है आजकल की वीडियोस की, सोशल मीडिया की सच्चाई, जहाँ पे मतलब मैं भी काफ़ी समय से इंस्टाग्राम पे देख रही थी, एंड मतलब बहुत अजीब लगता है मुझे। आज मैं एज अ रेडियो जॉकी नहीं, एज अ नॉर्मल इंसान जो
सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है या सोशल मीडिया चलाता है, और वो जब ये सब चीज़ें देखता है कि लाइक्स के लिए या स्टार्डम के लिए लोग आजकल क्या क्या करते हैं, उसको बहुत बहुत बुरा लगता है। अजीब अजीब सा कंटेंट लाना सोशल मीडिया पे, वल्गर जोक्स ले आना या वैसी चीज़ें करना जो बिल्कुल भी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। आई मीन यस, डेफिनेटली हर कंटेंट जो है उसका अलग एनरिचमेंट होता है, उसका अलग एंगेजमेंट होता है, लेकिन अगर ये कंटेंट आपकी ज़िंदगी का जो हिस्सा ना बनकर आपको ज़िंदगी ही बन जाए। एक तो पहले सोशल मीडिया का हिस्सा होता था, लेकिन लोगों ने अब इसको शॉर्टकट समझ के अपना लिया है कि अगर हम ये करेंगे तो हमको लाइक्स या वीडियोस या फॉलोअर्स ज़रूर आएंगे। आई हैव सीन पीपल डूइंग सो गुड कंटेंट एंड देन दे आर नॉट गेटिंग लाइक्स, देन दे आर नॉट गेटिंग दैट अप्रिसिएशन बिकॉज इट इज़ नॉट अपीलिंग टू द लोकल पब्लिक। बट मैं आज आपसे ज़रूर गुहार लगाना चाहूँगी, आपको कोई भी कंटेंट जो है वर्दी लगता है कि यार इस आर्टिस्ट को या इस यूट्यूबर को या इस इंस्टाग्राम रील वाले बंदे को या बंदी को आगे हमें बढ़ाना चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर इसे बढ़ाइएगा। और अपने घर में भी बच्चों को, अपकमिंग टीन्स जो है, टीनेजर बच्चे हैं या यूथ यंगस्टर्स हैं, उनको भी ज़रूर सीख दीजिएगा कि ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ही नैरो रास्ता है, और ये जो शॉर्टकट है ना, ये कहीं ले जाता नहीं है, आपको फंसा देता है। और उसके बाद फिर इंसान जो है वो इतना पागल हो जाता है लाइक्स के लिए कि अब वो अपनी हदें पार कर देता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है पहले से ही, बट आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू, सो आई होप आप इस बात को आगे लेकर जाएंगे, इस पर इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। रेडियो रान पे मैं हूँ श्रिया, आप सुन रहे हैं शो व्हाट्स ट्रेंडिंग। आज है मंडे, हर मंडे को 9 बजे मैं यहाँ पे आती हूँ, सुनते रहिए। नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम
कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, 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 तेरे नैना तेरे नैना हमें कसते तेरे नैना, कजरा रे कजरा रे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, बल्ली मारा से दरी बे तलक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में, ओ हो काली कमली वाले को हो याद करके तेरे काले काले नैनों की कसम खाते हैं, ओ तेरे काले काले नैनों की बलाए ले लूं, तेरे काले काले नैनों को दुआएं दे लूं, मेरी जान उदास है होनो पे प्यास है, आजारे आजारे आजारे, ओ तेरी गजरारे गजरारे तेरे कारे कारे नैना, गजरारे गजरारे तेरे कारे कारे नैना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना, ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना में चुप के रहना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना में चुप के रहना, ओ गजरारे गजरारे तेरे कारे कारे नैना, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, भूल ही गई. भूलने का भी अलग ही ट्रेंड चल रहा है आजकल. कुछ बोलना होता है इंसान बोलते 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 भूल जाता है. आपके साथ कभी हुआ है कि मतलब आपको किसी ने बीच में इंटरप्ट कर दिया और फिर जो आप इतनी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहे थे वो ही आप भूल गए? वेल, हम सबके साथ होता है. मैं अक्सर, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों बात कर रहे होते हैं और हम दोनों का क्या है, हम दोनों बोलती जाते और फिर एक दूसरे को काटते हैं. तो ये बहुत बुरी बात है क्योंकि एक अच्छे स्पीकर के साथ एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. यार मैं कुछ बोल रही थी जो मैं भूल गई. मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं याद करके आ जाती हूँ थोड़ी देर में. मुझे बोलना क्या था, पानी वानी पी लेती हूँ या बादाम खा लेती हूँ. वेला, अगर आपको भी ये भूलने की बीमारी है तो बादाम खाइए, रोज़ शाम को पानी में डालिए और सुबह छिलका उतार के खाइए ज़रूर, क्योंकि उससे जो याददाश्त है वो तेज़ हो जाती है. और मैं थोड़ा सोचती हूँ यार मैं बोलना क्या चाह रही थी, मैं क्योंकि खो गई जो बोलना चाह रही थी. आप सुन रहे हैं मुझे यानी श्रेया को व्हाट्स ट्रेंडिंग पर. यस, ट्रेंडिंग पर सुनते रहिए. मैं चली, देखो प्यार.
सुन रहे ट्रेंड की तो श्रिया को वेल जो मुझे बात बोलनी थी वो तो मुझे याद नहीं आई, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात मुझे याद आ गई है, वो ये है अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया तो प्लीज़ यार किसका वेट कर रहे, लगवा दीजिए। माना कि जो कोरोना की केसेस की रेट्स है वो कम हो गई है, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी और अपने घर वालों की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए जल्दी से वैक्सीनेशन लगवा ही लीजिए ना, किसका वेट कर रहे हैं। वेल मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते यहीं पर, यानी रेडियो रान के इसी चैनल पे। तब तक अगर आपको कोई भी फीडबैक या कुछ भी मेरे शो से रिलेटेड मुझसे पूछना हो या मुझे बोलना हो, आप रेडियो रान के वेबसाइट पे जाकर लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, या मुझे आप फेसबुक पे या ट्विटर पे भी रीच आउट कर सकते हैं। फेसबुक पे मैं श्रिया SHRIYATRISAL के नाम से हूँ, आप मुझे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और रेडियो उड़ान का पेज है फेसबुक पे, उस पर भी आप मेंबर बन के हमसे जुड़ सकते हैं और अपने जो डेली फीडबैक्स है या जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। हर अदा में नूर है आया, साथ मरे और सतहत्तर गए, रब को क्यों ऐसा बनाया। तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला, तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त।
शैतानी है इश्क में तेरे, मर जानी है इतना खोए खुद को बचाए, आग दिलों में लग जानी है। जादू ऐसा कर डाला ना होश किसी ने संभाला, तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त।
बन गई just like this.
क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर रहूंगा बस वहीं उम्र भर है जितनी हंसी है मुलाकात इतनी सी भी खबर के तुम छेड़ दिया कैसा ये फसाना ओ मुस्कुराना भी तुझे से सीखा है दिल लगाने का तू ही तरीका है एतबार भी तुझे से होता है ना होश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है सुन मेरे सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर
नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। जागने के भी हसी रात हो ना हो
जा गले से से लग जा गले के फिर ये हसीं रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले से से एक ठुमका आजमाए बजती अलार्म सी दो पल न शांति क्लब की जगा दे आत्माए ओ आजा मिलना देंगे हम आज अंगना तेरे नाल करके बिट टॉप नचना डिस्को डिस्को बोले सारी रात सजना
लगा के तेरा पार्टियों में जाना, आशिक फसाने का तरीका है पुराना। सेंट लगा के तेरा पार्टियों में जाना, आशिक फसाने का तरीका है पुराना। शक्ल पर